आज की वीडियो में मैंने आपको ये कटवर्क वाला दामन का डिजाइन बना के बताया है। आज की वीडियो में मैं आपको दामन का डिजाइन बना के बताऊंगी। आजकल बहुत ट्रेंड में ये कटवर्क में बनाया है मैंने ये दामन। ये जो हमारा दामन है, इतना हमने ये बुकरम का पीस लिया है और 2 इंच है ये इस तरीके से। इसके सेंटर पर मैंने कट लगा दिया और इसके सेंटर पर भी हमने कट लगा लिया है। 2 इंच का ये बुकरम लिया हमने इस तरीके से। हमने यहाँ पर कोई भी कंगन या चूड़ी हो आपके पास, इस तरीके से मार्क करना है। इस तरीके से हमने इसे मार्क करना है। पूरे पे हम इसी तरीके से इस पर मार्क करते हुए जाएंगे। इसी शेप में हमें इसे मार्क करना है पूरे पे। इस तरीके से पूरे पे मार्क कर लिया है और जिस शेप में हमने मार्क किया है उसी शेप में हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से। इसी शेप में इसे कट कर लिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे इस तरीके से। इस कपड़े पे हमें इस तरीके से रखेंगे इसको। चाहो तो एक कच्ची सिलाई लगा दो यहाँ पे इस तरीके से, ताकि ये हिले ना, या पेपर पेस्टिंग हो तो इसे चिपका सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने अपने दामन का सेंटर का ऐसा निकाल लिया है। इस तरीके से हम इसे रखेंगे सेंटर पे बिल्कुल, और इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इस पर घुमाते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से इसके किनारे किनारे पे हल्के हल्के बुकरम के इस तरीके से हम इस शेप में इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इस शेप में इस पर सिलाई लगाएंगे। इस शेप में इस पर किनारे किनारे पे सिलाई लगा दिए। अब इसके किनारे किनारे पे हम कपड़े को कट करेंगे। सिलाई के किनारे पे हमें कपड़े को कट करना है। कट करके अब हम इसे पीछे की साइड पलटेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने पीछे की साइड ये फोल्ड कर दिया है। अब जो पीछे ये कपड़ा है इसे हम इस तरीके से तुलपाई कर सकते हैं इस पर, या सिलाई लगा सकते हैं। और किनारे को मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। मैंने पीछे कोई डिजाइन डाला है इसमें, पीछे मैं सिंपल ही रखूँगी। और इस तरीके से हम यहाँ से इसे फोल्ड कर देंगे। चाहो तो इस साइड से हम लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, या इसी तरीके के कटवर्क हम यहाँ भी बना सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सा लगता है। इस तरीके से मैंने दोनों साइड इस पर लेस लगा ली है। और पीछे के पल्ले पर हम सिंपल रखेंगे, इस पर मैं तुरपाई करूँगी। यहाँ पर कोई मोती हो आपके पास तो इस तरीके से मोती भी लगा सकते हैं इस पर। गोल्डन मोती बहुत अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।